हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो है लेवल अप इवेंट और मेरा रोस्टर का टूर बेबी अकाउंट बेबी ध्रुव का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लेवल अप इवेंट आया हुआ है और मैं जो आपको रिकमेंड करता हूं कि चैंपियंस रैंक अप करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेवल अप इवेंट आए तभी करें, क्योंकि आपको एक रिवाइव मिलता है, एक हेल्थ पॉट मिलता है, 25 यूनिट्स मिलते हैं। सो दैट इज़ द वे ऑफ डीलिंग विद इट। पहला चैंपियन जो हम रैंक अप कर रहे हैं वो है गार्डियन, क्योंकि रैंक वन पे ही है, उसको रैंक टू पे लेके जाके थोड़ा बहुत गेम प्ले करेंगे, अभी काफ़ी कुछ करने के लिए है। मैंने उसको रैंक टू पर ला के छोड़ दिया है अभी, एंड आई विल बी रैंकिंग अप नेम और आई बिलीव राइट नाउ, या फिर आई थिंक आई शुड गो फॉर गार्डियन ओनली एंड ब्रिंग हिम टू रैंक थ्री, क्योंकि मेरे पास टेक का काफ़ी आईसो पड़ा है। लेट्स जस्ट गो एंड रैंक हिम अप टू रैंक टू। रैंक थ्री के लिए आई विल चूज़ नेम और एंड आई विल टेल यू वाई इन अ बिट। इसको जल्द से जल्द रैंक अप करते हैं। ये सब आईसो आप देख रहे हो, आज मैंने बिल्कुल भी क्रिस्टल ओपनिंग नहीं करी तो वो मेरे क्रिस्टल होल्ड हो गए हैं, तो जब ड्यूप होगा तब मैं और आराम से कर पाऊँगा, मेरे पास गोल्ड भी काफ़ी है। अब ऑप्शन आता है मेरे को इसको रैंक थ्री करने का, पर मैं सोच रहा हूँ इसको रैंक टू में पहले थोड़ा बहुत खेलूँ और परखूँ कि कैसा चैंप है, अपने कैटलिस्ट रिकवर कर लेता हूँ मैं स्टोर से। अभी भी मेरे पास T4 बेसिक काफ़ी पड़े हैं और एक म्यूटेंट का T4 CC पड़ा हुआ है। एक बार ऐसे ही नज़र मार लेते हैं म्यूटेंट से, मेरे पास कोई और बढ़िया 4-स्टार चैंप है जो रैंक अप कर सकता हूँ, बट जैसे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि पहले 5-स्टार चैंप्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, नेम और कंसिडरिंग उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, बट उसका नेमोर को यूज़ करने के लिए आपके इसकी अवेकनिंग एबिलिटी चाहिए होती है और मैक्स एक चाहिए होता है, बट अदर देन दैट हिज डैमेज इज़ ऑलवेज गुड। तो जैसे कि आपने देखना मैंने इसको रैंक थ्री कर दिया है और जितना आईसो डाल सकता हूँ मैंने डाल दिया, एंड लेट्स जस्ट गो एंड क्लेम आवर कैटलिस्ट जो स्टोर पड़े हुए हैं मेरे एक्स्ट्रा म्यूटेंट के। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास दो पड़े हैं तो मैं दोनों क्लेम कर लिए, अभी भी T1A बहुत पड़े हैं और T4 CC एक बचा है इसका टेक का। अब मैं स्किल में मेरे पास है नेक फ्यूरी भी आ गया था लास्ट जब मैंने क्रिस्टल ओपनिंग करी थी तब, तो मैं सोच रहा हूँ इसको रैंक अप कर दूँ, पर अभी ये ड्यूप हुआ नहीं, तो ड्यूप होने के बाद तो और शानदार हो जाता है, एंड राइट नाउ आई हैव एगॉन। सो मैं सोच रहा हूँ एगॉन पे मैंने इतने 6 स्टोन्स डाले हैं तो अभी इस पर कैटलिस्ट ना वेस्ट करके एगॉन को ही रैंक 5 कर देते हैं। सो माई 3rd rank 5 ऑफ अ 4-स्टार इज़ गोइंग टू बी एगॉन। और जब मैं आपको अभी अपना रोस्टर दिखाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा मेरे पास कौन से रैंक 5 में हैं चैम्पियंस 4-स्टार में, एंड एज यू कैन सी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आईसो पड़ा हुआ था स्किल का, तो आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ दैट, एंड लेट्स जस्ट गो डाउन टू द लेवल अप इवेंट एंड सी मेरे सारे माइलस्टोन्स हुए हैं कि नहीं हुए। सो आई विल गो टू द लेवल अप इवेंट एंड सी कि मेरे सारे रैंक माइलस्टोन्स अचीव हो गए और मुझे आईसो मिल गया, गोल्ड मिल गया, और ये T3 कैटलिस्ट मिल गया क्लास का, एक रिवाइव मिल गया, थोड़े T4 फ्रैगमेंट्स मिल गए और गोल्ड मिल गया, 25 यूनिट्स मिल गए, T4 CC क्रिस्टल मिल गया, T2A का थोड़े बहुत शार्ड्स मिल गए, एंड आई थिंक इट वाज सक्सेसफुल। 44,060 पॉइंट्स किए मेरे को, रैंक रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, नॉट द बेस्ट रैंक रिवॉर्ड्स बट स्टिल रैंक रिवॉर्ड्स, एटलीस्ट 44,000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ये ख़त्म करने के लिए लेवल अप इवेंट, और अभी भी मेरे पास काफ़ी आईसो बचा है गाइस। सो आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो, अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लो, अपने कैटलिस्ट क्लेम कर लो, आईसो और जब यूज़ करना हो करो। नाउ गोइंग टू द करंट रोस्टर, 6-स्टार में आप जैसे देख रहे हैं मेरे पास एक भी नहीं है, मैंने समना शोडाउन के बाद अकाउंट किया था ये क्रिएट। 5 स्टार्स में आप देखोगे मेरे पास 6-8 हैं 5 स्टार्स। ब्लैक विडो इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स
जैसे आपने मेरे मेन अकाउंट में देखा था, इसको मैंने R4 भी किया हुआ है। अब इसके लिए मुझे T2A चाहिए एक और। अभी आपने मैंने जैसे लेवल अप इवेंट में दिखाया, इसको नेमोर को मैं रैंक 3 पे कर चुका हूँ, और अभी पर मैं इसको रैंक लेवल अप कर नहीं रहा क्योंकि आई एम गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेवल अप इवेंट। एंड गार्डियन के लिए मेरे को 4 T4 बेसिक कैटलिस्ट चाहिए जो मैं आइसो स्टोर से सॉरी ग्लोरी स्टोर से लूँगा नेक्स्ट वीक। सिमिलरली ह्यूमन टॉर्च के लिए मुझे T4 CC चाहिए जो मैं ग्लोरी स्टोर से लूँगा नेक्स्ट वीक। मोजो इज़ अ गुड डिफेंडर, लूक केज इज़ फैंटेस्टिक, लूक केज भी कर सकता हूँ। स्पाइडरमैन इज़ अ जोक एंड सो इज़ किंग रूट। इनको डिफेंस में ही डालूंगा मैं अपने अलायंस वॉर में। गोइंग टू माई 4 स्टार, माई फर्स्ट माई सेकेंड रैंक 5 इज़ सिम्बियोट सुप्रीम, माई थर्ड इज़ एगॉन। एंड सिम्बियोट सुप्रीम जैसे मैंने मेन अकाउंट में भी बताया बहुत शानदार चैम्पियन है, एगॉन बहुत शानदार चैम्पियन है, उसमें मैंने 6 स्टोन्स भी डाले हैं। एंड माई ओनली मैक्स चैम्पियन इज़ रेड हल्क, हुम आई लव एंड हुज़ हेल्प मी विद अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट। मेरा एक और है स्पाइडरमैन जो रैंक 4 पे है, बहुत शानदार प्लेयर है। वेनम की तारीफें करके मैं थका नहीं अपने अकाउंट में। कैप्टन मार्वल मूवी का गेम प्ले अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हाइपीडन का मैं दिखाते ही रहता हूँ, ही इज़ अ फैंटेस्टिक प्लेयर। आप देख रहे हैं वुल्वरीन मेरा रैंक 4 पे, रैंक 3 पे है, बहुत अच्छा रीजन है उसका। वेनम द डक इज़ अ माइंड ब्लोइंग चैम्पियन, उसको मैं सोचूंगा कि रैंक 5 करने का, बट अभी नहीं। मैग्नीटो मैंने इसलिए अपडेट किया था बिकॉज़ ही इज़ गुड अगेंस्ट मेटल चैम्पियंस। मुझे ब्लीड और पॉइजन इम्यून चैम्पियन चाहिए था तो मैंने नेब्यूला को भी रैंक अप कर लिया है। इवेड काउंटर के लिए मैं विजन को तैयार कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम वेनम। डार्क हॉक मैं सोच रहा था कि करूँ बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ब्लीड एंड पॉइजन इम्यून, बट नेबुला करने लग गया मैं बिकॉज नेबुला शॉक डैमेज बहुत अच्छा देती है। ब्लैक पैंथर आई यूज़ फॉर डिफेंस। वुल्वरीन इज़ अमेजिंग फॉर ब्लीड्स, विजन इज़ अमेजिंग फॉर पावर कंट्रोल, वॉस्प इज़ अ स्ट्रॉन्ग हिटर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हिटर, इसको अटैक भी नहीं कर पाते। कॉर्ग इज़ अ फैंटेस्टिक डिफेंडर और मेरा ड्यूब भी हो गया तो कर सकते हैं। निक फ्यूरी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट चैम्प्स एंड आई यूज़ हिम अ लॉट इन माई मेन अकाउंट। वॉइड अगेन अ फैंटेस्टिक चैम्पियन, R5 5 स्टार इन माई मेन अकाउंट। बाकी मिस मार्वल, कैप्टन अमेरिका, मॉडो बेकार हैं। स्टॉर्म पिरामिड इज़ एक्सेप्शनल, शी इज़ गुड फॉर काउंटर्स लाइक कॉर्ग झेलने के लिए, बाकी ये सब बेकार चैम्प है। अब ब्लेड देखो आप, ब्लेड मैंने अभी छुआ भी नहीं है बट ही इज़ ऑल्सो फैंटेस्टिक विद द सिनर्जी विद घोस्ट राइडर जो मेरे को मिल चुका है। एंड घोस्ट राइडर और ब्लेड एंड क्या नाम है स्टार्की, मैं तीनों लेके जा सकता हूँ अपने उसमें AQ में। एंजेला इज़ फैंटेस्टिक एंड अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी अदर मेजर ब्यूटिफुल चैम्पियन। आई हैव शी हल्क हु इज़ अ ग्रेट काउंटर फॉर अनस्टॉपेबल फॉर थिंग। एंड लूक केज भी है जो मेरे पास 5 स्टार में भी है, जिसको मैं रैंक अप व्हेन आई नीड तब करूँगा जब वो ड्यूप होगा। अब मैं दिखाता हूँ 3 स्टार में मेरे पास सिर्फ 3 मैक्स आउट चैम्पियन है, उसके बाद मैंने किसी को छुआ भी नहीं क्योंकि इन लोगों ने ही मेरी काफ़ी मदद कर दी थी, सॉर्सरर सुप्रीम, वेनम एंड आइसमैन ने, टू कम्प्लीट अ लॉट ऑफ एक्ट 4। एंड 2 स्टार मेरा एक्ट 3 तक जो सपोर्ट करते थे वो थे गमोरा, स्टार लॉर्ड, और मैंने 12 मैक्स आउट किए हुए हैं क्योंकि अरीना जो आएगा 2 स्टार वाला उसमें 5 स्टार शार्ड्स मिलेंगे और 6 स्टार शार्ड्स मिलेंगे। 10,005 5 स्टार शार्ड्स एंड 5,000 6 स्टार शार्ड इस महीने आने वाला है गाइज वो, और मैं करके दिखाऊंगा आप सबको। अब मैं अपना थोड़ा बहुत स्टोरी प्रोग्रेशन दिखा देता हूँ, मैंने कितना कवर किया हुआ है। यू ऑल नो आई एम कलेक्टेड, एक्ट 1 इज 100%, एक्ट 2 इज 100%, एक्ट 3 इज 100%, और इसलिए मेरे इतने ज़्यादा मूवमेंट्स हैं। एक्ट 4 का चैप्टर 1 इज 100%, चैप्टर 2 इज ऑलमोस्ट 100%। ये क्या बोलते हैं इसको, मिस्टेक वाली बंदी का मेरा एक चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, एंड ये फिक्स एक्ट वाले का मेरा थोड़ा सा चैप्टर बचा, तो चैप्टर 2 भी 100% हो जाएगा और 3 और 4 भी मेरे को करना है। नाउ आई एम एट अ स्टेज वेर आई एम एट 5.3 और उसमें मॉडो वाला क्वेस्ट है। इस क्वेस्ट में आपके मिस्टेक चैम्पियन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसके लिए मेरे को अब थोड़ा बहुत रोस्टेड डेवलप करना पड़ेगा गाइज, एंड देन आई कैन कंटिन्यू विथ 5.3। चलो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड सी यू सून।